आखिरी वक्त में जितनी ताकत बची है उसे झोंक देना है, क्योंकि किला फतह करना ऐसी सोच है प्रत्याशियों की। पांचवे चरण के प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि वो हर वर्ग तक, हर इंसान तक, मतदाता तक अपनी पहुंच बना सके। इस वक्त एबी न्यूज की टीम जलमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सरवा में है और सरवा में जेवीएम प्रत्याशी डॉक्टर संजय रोड शो कर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और डॉक्टर संजय उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस दौरान कुछ देर की सफर एबी न्यूज की टीम भी डॉक्टर संजय के साथ करेगी और देखने की कोशिश करेगी कि आखिर डॉक्टर संजय अपनी आंखों से क्या देखते हैं। डॉक्टर संजय, हम जो देख रहे हैं वो एक विशाल रैली दिख रही है, विशाल रोड शो दिख रहा है। संजय अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं? हम जरमुंडी की जनता की जीत देख रहे हैं। जरमुंडी की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि वर्तमान जो विधायक हैं उनको पदच्युत किया जाए और सरकार को हटा दिया जाए। ये काफी नाखुश लोग हैं यहाँ के आम नागरिक और हम आराम से अपना जीत देख रहे हैं। डॉक्टर संजय, आखिरी दौर में क्या चाहते हैं, इस रोड शो के माध्यम से क्या चाहते हैं? रोड शो के माध्यम से ये लोगों को बताते हैं कि हम अपार जन समर्थन हमारे साथ है, आप बिल्कुल एकजुट बने रहें और वोट देने जाएं, लोगों में किसी तरह का डर भय नहीं रहे। और साथ में हम लोग लोगों से मिलते जुलते जाते हैं, जो कहीं छूट गए लोग उनको उनका अभिनंदन करते जाते हैं, उनका उनकी शुभकामना लेते जाते हैं। रोड शो सरवा में क्यों? जी, सरवा में क्यों, इसलिए कि सरवा में हम रहते हैं, बगल में ही है और यहाँ पर हमारे जो पुराने विधायक जी हैं वो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, तो उनको भी ये पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ के लोगों को पता चले, आज यहाँ के सारे लोग हमारे साथ हैं ये पता चले। डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि सरवा में जितने भी लोग हैं, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा इलाका होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, महत्व रखता है, जलमुंडी विधानसभा क्षेत्र में सरवा बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, अगर सरवा को फतह कर लिया तो जलमुंडी फतह हो गई। हम डॉक्टर संजय के साथ कुछ दूर और चलेंगे, ढेर सारी बातें करनी है। शहर बस्ती आगे है, बस्ती में लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर संजय से बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजय, हाथ, डॉक्टर संजय हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का, अपने समर्थकों का मनोबल बना रहे हैं। डॉक्टर संजय, जलमुंडी में जनता कह रही है कि संजय, डॉक्टर संजय की टक्कर बीजेपी के कुंवर जी से है, आपको क्या लगता है? संजय जी क्या मानते हैं? क्या हमने सुने नहीं जी, आपके आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की टक्कर आपसे है। टक्कर तो नहीं है, लेकिन बीजेपी दूसरे स्थान पर रह सकती है। ये आत्मविश्वास है डॉक्टर संजय को जो इस क्षेत्र से प्यार मिला है, इसका आकलन डॉक्टर संजय खुद कर सकते हैं और इसी आधार पर ये कह रहे हैं कि टक्कर नहीं है लेकिन बीजेपी दूसरे स्थान पर रह सकती है। बाकियों का क्या होगा? बाकियों की जमानतें जब्त होगी, बाकी लोग केवल संख्या बढ़ाने आए हैं, लोगों को परेशान करने, लेकिन अभी यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है बदलाव की और यहाँ की जनता का ऐसा पहले से भी रहा है कि जो परफॉर्म नहीं करते हैं उसे तुरंत पर हटा देती है। अगर सरवा आपको सराखों पर बिठाता है तो सरवा के लिए डॉक्टर संजय क्या करेंगे? सरवा हम लोग बाजार का अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे, बाजार को सही करेंगे, किसानों के लिए जो भंडारण की व्यवस्था है फसलों की उसे दुरुस्त करेंगे और सरवा मुख्यतः सिंचाई, खेती, खेतिहर लोगों का जगह है, सिंचाई बढ़ाएंगे और खेती के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो करेंगे। सरवा में कॉलेज, अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं कोई स्किल डेवलपमेंट का स्कूल नहीं है, बहुत सारे बात हैं। यहाँ भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उद्योगों की स्थापना हमारी प्राथमिकता होगी और सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, ये तालाबों को गड्ढा किया जाएगा, चेक डैम्स बनाया जाएगा वगैरह वगैरह बहुत।
बहुत सारे काम हैं। कहते हैं कि जरमुंडी में खास महत्व रखता है सरवा, और जिसने सरवा फतह कर लिया उसने जरमुंडी फतह कर लिया। सरवा फतह करने निकले हैं डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय को पूरा विश्वास है कि सरवा अगर उनके लिए कुछ करता है तो डॉक्टर संजय सरवा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उसके विकास के लिए। डॉक्टर संजय ने रोड शो की शुरुआत की है, हमने कुछ देर की सफर तय की, हम फिर आगे सफर में शरीक होंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन संजीव के साथ अनूप सोनू, एबी न्यूज जरमुंडी। पांचवें चरण यानी कि झारखंड के मिशन 2019 का आखिरी चरण और आखिरी दिन प्रचार का, तमाम प्रत्याशी ताकत आजमाइश कर रहे हैं, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में इस वक्त एबी न्यूज की टीम जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सारवा में है। सारवा की सड़कों पर जेवीएम के सशक्त प्रत्याशी डॉक्टर संजय रोड शो कर रहे हैं। हजारों की तादाद में उनके समर्थक मोटरसाइकिल पर इन सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। डॉक्टर संजय के साथ कुछ क्षण हम भी गुजारेंगे। इस वक्त डॉक्टर संजय का काफिला, बड़ा काफिला सारवा बाजार से गुजर रहा है। इस दौरान हम थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। हम अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करेंगे कि वो जरा इस रैली की भव्यता को दिखाएं। पीछे तक हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार समर्थक डॉक्टर संजय के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। डॉक्टर संजय लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और एक भरोसा दे रहे हैं कि अगर सारवा उन्हें सराखों पर पहुंचाता है, सराखों पर बिठाता है, तो डॉक्टर संजय सारवा का कायाकल्प करेंगे। डॉक्टर संजय, सारवा बाजार से आप गुजर रहे हैं, सारवा के लिए डॉक्टर संजय की क्या योजना है? सारवा की सर्वांगीण विकास के लिए देखिए, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है रोडों के किनारे, सड़क के किनारे ढेर सारे कचड़े हैं। यहाँ ड्रेनेज का कोई आपको कहीं नहीं दिख रहा है सिस्टम, यहाँ पर पानी का, पीने का पानी का भी किल्लत है। तो सारवा विकास के दौड़ में इतना पीछे है कि ये कहने को तो प्रखंड मुख्यालय है, लेकिन यहाँ सारी सुविधाएं नदारद हैं। यहाँ का हॉस्पिटल जो है सुचारू रूप से चले, 2400 घंटे लोगों को सेवा मिल पाए, और यहाँ जो मुख्य समस्या किसानों की है, उनका सिंचाई का प्रबंध बढ़िया से हो, उनके उपज का भंडारण हो, ये सब है। शिक्षा में यहाँ पर कॉलेज नहीं है, और कोई टेक्निकल कॉलेज तो है नहीं है, ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ नहीं है। तो मिला जुला कर सारवा बिल्कुल विकास की रेखा में अंतिम पायदान पर खड़ी है। उद्योग धंधे नहीं हैं, उचित वातावरण बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं के बराबर है, केवल मुख्य सड़क दिखता है, लेकिन मुख्य सड़क के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। तो यहाँ सारवा में सब कुछ करना बाकी है। हम लोग सारवा के लिए जो भी होगा सब अच्छा से एक योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से और काम करेंगे। सारवा की सड़कों पर जब ये काफिला गुजर रहा है, डॉक्टर संजय सभी के साथ ये वादा भी करते चल रहे हैं कि सारवा की जिस सड़क से अभी वो गुजर रहे हैं वहां से विकास भी गुजरेगी। विकास इस मायने में यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन तीनों का ख्याल रखा जाएगा। खास करके यहाँ के युवा जो हैं, युवा छात्र छात्राएं हैं, उनके विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारवा डॉक्टर संजय को ही क्यों चुने? इसलिए कि सारवा को जरूरत है एक ऐसे आदमी की जो दिन रात मेहनत करता हो और हमेशा समाज के बारे में, समाज के विकास के बारे में, विकास की धारा में जो पीछे छुड़े हुए हैं, ग्रामीण, मजदूर, युवक, बेरोजगार युवक, महिलाएं, सब की देखभाल करने के लिए सारवा को डॉक्टर संजय की जरूरत है।
लेकिन डॉक्टर संजय, बीजेपी और महागठबंधन दोनों दावे ठोकते हैं संथाल हमारी विरासत है, ऐसे में जेवीएम कहाँ बैठता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले का पहले की बात थी, विरासत ये अब विरासत यहाँ सब लोग होशियार हो गए हैं, लोग आदिवासियों को अल्पसंख्यकों को दलितों को पॉकेट वोट मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सभी अब मेरिट के आधार पर वोट देते हैं और वोट देंगे। सबका मानना है कि जो प्रत्याशी अच्छा है उसी को देना है। अब ये लोग का कहीं कुछ ऐसा नहीं रहा कि कोई किसी का पॉकेट है, अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अभी आदिवासी जनता भी बिल्कुल होशियार हो गई है। धृतराष्ट्र शासक थे और संजय उनके मार्गदर्शक। डॉक्टर संजय क्या देख पाते हैं जो ये युद्ध चल रहा है उसमें वो दूरदर्शिता क्या देख पा रहे हैं? झारखंड का भविष्य किधर? झारखंड का भविष्य इस बार नए हाथों में जाएगा, नए लोग आएंगे, कुछ अनुभवी लोग हमारे बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और केवल विकास के बारे में सोचेगी, राजनीति कम विकास ज्यादा। एबी न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर संजय, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे संकल्प लेकर डॉक्टर संजय सारवा के सड़कों पर निकले हैं, उन्हें उम्मीद है कि सारवा उन्हें सड़कों पर बिठाएगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अनूप सोनू, एबी न्यूज, जरमुंडी।